ये जो प्लैनेट अर्थ है वो कई अजीब और अमेजिंग क्रिएचर्स से भरा हुआ है। आपको मैंने एक वीडियो में ऐसे क्रिएचर्स के बारे में बताया था जो अपने अमेजिंग एबिलिटीज से ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसकी कल्पना इंसान भी नहीं कर सकता। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख सकते हो। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे ट्रांसपेरेंट क्रिएचर्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो शीशे के बने हो। ये क्रिएचर्स इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं कि आप इसके शरीर के अंदर के पार्ट्स को देख सकते हो। इसके बॉडी का शेप गोल होता है जिसमें कोम्ब यानी कंघी जैसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। ये फिश पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि इसके बॉडी का 97% भाग पानी है। ये क्रिएचर जब डिस्टर्ब होता है तो इसके कंघी जैसे स्ट्रक्चर्स से रेनबो लाइट्स निकलते हैं। ये एलियन जैसे क्रिएचर समुद्र के 2750 मीटर की गहराई में ओशन फ्लोर पर रहते हैं। ये अपने टेंटिकल्स के सहारे ओशन फ्लोर पर 2 सेंटीमीटर पर मिनट के धीमी गति से रेंगते हैं। इस अजीब से दिखने वाले ट्रांसपेरेंट क्रिएचर को पहली बार गल्फ ऑफ मेक्सिको में खोजा गया था। ये इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है कि आप इसके विंड पाइप और बाकी सभी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को बाहर से ही देख सकते हो। ग्लास विंग बटरफ्लाई सेंट्रल अमेरिका से साउथ अमेरिका तक पाए जाते हैं। इस बटरफ्लाई के ऐसे कांच जैसे पंख होने की 3 वजह होती है। पहली वजह ये है कि इसके जो पंख हैं वो ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो लाइट को बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी वजह है कि जब लाइट इसके पंख पर पड़ते हैं तो वो फैलते नहीं हैं। और आखिरी वजह ये है कि लाइट इस पंख पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होते। ये ट्रांसपेरेंट फिश सभी तरह के पानी में रह लेते हैं। आपने फाइंडिंग नीमो नाम की मूवी तो जरूर देखी होगी। उसमें डाउरी नाम का एक कैरेक्टर था। ये सर्जन फिश उसी स्पीसीज का है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है और ये एक बहुत ही पॉपुलर एक्वेरियम फिश है। यूरोपियन ईल अपने पूरे लाइफ स्पैन में कई बार अपने शरीर के कलर को चेंज करते हैं। पहले ये ऐसे ट्रांसपेरेंट होते हैं, फिर इसके दोनों तरफ ब्राउनिश येलो कलर के निशान बन जाते हैं। 5 से 20 साल के बाद ये ईल सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं, जिससे इसके आंखों का साइज बढ़ जाता है और इसके बॉडी के दोनों तरफ सिल्वर कलर डेवलप्ड होने लगते हैं। इसके बाद इसे सिल्वर ईल कहा जाता है। ये ऑक्टोपस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जगहों के गहरे पानी में रहते हैं। इस ऑक्टोपस के बहुत रेयर होने के कारण इसके बारे में बहुत कम ही पता चला है और इस ऑक्टोपस के फोटोज और वीडियोस बहुत कम अवेलेबल है। इस ऑक्टोपस का बॉडी कलरलेस है, यानी इसके बॉडी का कोई रंग नहीं होता, जिसके वजह से इसे पानी में देखना बहुत मुश्किल है। ये अमेजिंग एम्फीबियन सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। इस फ्रॉग का जो बेली पार्ट है वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है और आप इसके अंदर के पूरे ऑर्गेन्स को देख सकते हो। ये नॉक्चरल होते हैं, यानी ये रात को बाहर निकलना ज्यादा पसंद करते हैं। ये ट्रांसपेरेंट फ्रॉग साइज में बहुत छोटे हैं, जो सिर्फ 2 से 8 सेंटीमीटर के होते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होने के कारण ये फ्रॉग दूर से नहीं दिखाई देते। ये एशियन ग्लास कैटफिश धरती के सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट वर्टिब्रेट्स में से एक है। इसके बॉडी के ज्यादातर ऑर्गेन्स इसके हेड यानी सर के पास होते हैं और आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास के यूज से इसके दिल को धड़कते हुए देख सकते हो। जब लाइट इसके बॉडी में एक पर्टिकुलर एंगल पे पड़ता है तो रेनबो जैसे लाइट इसके बॉडी से निकलते हैं। ये फिश मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के शांत पानी में रहना पसंद करते हैं। जब इस फिश की डेथ हो जाती है तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाते और ये मिल्की व्हाइट कलर के हो जाते हैं।
ये ट्रांसपेरेंट सिलेंडर शेप के ऑर्गेनिज्म अपने अनोखे लाइफ साइकिल के लिए फेमस है। ये दो टाइप के लाइफ को जीते हैं, जिसमें ये अकेले भी लाइफ स्पेंड करते हैं और फिर एक दूसरे बड़े ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट बनकर भी रहते हैं। ऐसे कई सारे सी सेल्फ एक बड़े ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इस तरह से लिंक होकर चेन जैसा बना लेते हैं। इस चेन जैसे आकार की लंबाई 4.5 मीटर तक हो सकती है। ग्लास स्क्विड की अब तक 60 अलग अलग स्पीशीज को खोजा गया है। इनमें से ज्यादातर बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, यानी ये अपने बॉडी से रोशनी निकाल सकते हैं और इस रोशनी को बनाने वाले ऑर्गेन्स इसके आंख के नीचे होते हैं। इसकी बॉडी इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है कि आप इसके सभी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो। इस फेसबुक पेज पर मैं रोज इंटरेस्टिंग चीजें अपलोड करता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज का लिंक दिया है।